ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन माँ भगवती की आराधना करते हुए मुझे इस यंत्र का बोध हुआ। तो जो गुरुवार है वो माँ बगलामुखी को समर्पित होता है और इस दिन पीले वस्त्रों का, पीले फूलों का और नाना प्रकार के जो भी पीले आभूषण होते हैं, सोना हो गया, ये सब जो है मातेश्वरी को प्रिय हैं। पीले कलर में जो भी हो वो आप माँ भगवती को समर्पित कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो माँ बगलामुखी हैं उनको न्याय की देवी भी कहा जाता है। उनसे जो है किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता अगर आप उनकी साधना करते हैं। तो शत्रुओं का नाश करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती का स्मरण किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में कई बार लोग हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं, चलता चलता बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जलने वाले लोग कोई तंत्र क्रिया आप पर करा देते हैं जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है। तो इसके लिए एक अचूक उपाय आज मैं लेकर आया हूँ। यदि किसी ने कुछ किया कराया हो, आप पर बंधन लगाया हो या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई भी तांत्रिक उपाय हो जो किसी से ठीक ना हो रहा हो, तो ये यंत्र आप प्रयोग में ला सकते हैं। इस यंत्र की जो विधि है वो बहुत ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे बना बनाया मंगाएंगे तो ये ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि इस यंत्र का निर्माण सिर्फ एक सात्विक आदमी ही कर सकता है जिसने मांस मदिरा का सेवन ना किया हो। और अगर इसे कोई प्रोफेशनल करे, कोई तांत्रिक करे, तो इसके जो असर हैं वो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आ जाते हैं। आप भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बना बनाया लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर, इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको ये यंत्र मिल जाएगा। इसकी विधि बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है कि किसी जंगल में जाइए, किसी वीराने में जाइए, वहाँ पर आपको आग का पेड़ मिल जाएगा। आग के पेड़ के दूध से आपको ये यंत्र बनाना है, जो यंत्र आप फोटो में देख रहे हैं इस यंत्र को बनाना है। और याद रहे कि इसमें सावधानी पूरी रखनी होगी, क्योंकि अगर आग का जो दूध है वो आँख में चला जाए तो आँख खराब हो सकती है। तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ ग्लासेस लगाकर फिर इस प्रयोग को करें और इससे शत्रु को अपने वशीभूत किया जा सकता है। यदि आपके कोई शत्रु हैं जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं और आप ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। गुरुवार के दिन किसी वन में जाएं, किसी बीहड़ में जाएं, जहां पर कि आग का पौधा आपको मिल जाए, उस आग के पौधे का थोड़ा सा रस लें, सफ़ेद कलर का दूध निकलेगा, उसमें से जो है आपको इस यंत्र का निर्माण कर देना है। निर्माण करते हुए आपको अपने आसपास एक घेरा बनाना होगा जिसे कि रक्षा कवच भी कहते हैं। ये वही रक्षा कवच है जो लक्ष्मण ने माँ सीता के आसपास बनाया था, ताकि कोई भी हानिकारक शक्ति, कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा उनको तंग ना कर सके। और जब तक माता इस घेरे के भीतर थी तब तक रावण कुछ नहीं कर पाया था। तो आपको क्या करना है कि कोई चक्कू लें या फिर कोई लकड़ी लें या फिर अपनी उंगली लें, जो भी यथासंभव, जो भी आपको मिल पाए, उससे आपको अपने चारों ओर एक घेरा बनाना है। और घेरे का मंत्र होगा आप बांध चाप बांध, ये बोलते बोलते आपको अपने आसपास घेरा बना लेना है। आकाश बांध, पाताल बांध, दुश्मन का हाथ पैर पाँव सारा शरीर बांध, उत्तर बांध, दक्षिण बांध, आकाश बांध, पाताल बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध,
ये बोलते बोलते आपको एक घेरा बना लेना है, और जहाँ पर ये दो लाइनें जो हैं जुड़ेंगी वहाँ पर आपको जिस भी चाकू से बना रहे हैं, जिस भी लकड़ी से बना रहे हैं, वहाँ पर वो गाड़ देनी है। अगर हाथ से बना रहे हैं तो बस उसको मिला दीजिएगा। इसके बाद जो है आपकी किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा हो जाएगी। जब तक आप इस घेरे में रहेंगे तब तक कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो है इस तंत्र का निर्माण शुरू करें। आपका जो मुख हो वो पूर्व की तरफ हो, जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ मुँह करके बैठ जाएं, और फिर इस यंत्र का निर्माण करें। माँ भगवती को स्मरण करें और उनसे विनती करें कि माँ भगवती इस यंत्र में प्राण डालिए और जो मेरी मनोकामनाएं हैं, जो भी कामनाएं मैं कर रहा हूँ, उनमें मुझे सफलता दीजिए। और अपने इष्ट देव, अपने ग्राम देवता को कुछ भोग लगाने के बाद इस यंत्र का निर्माण प्रारंभ करें। जब यंत्र का निर्माण प्रारंभ हो जाए तो आपको कुछ भी स्मरण नहीं होना चाहिए। जब आप इसको बनाएं तो चाहे बाहर आग लगी हो, लेकिन फिर भी आपको ये कंप्लीट करके ही निकलना है। इसको आप भोजपत्र पे बना सकते हैं या फिर सफ़ेद पन्ने पे बना सकते हैं जिसमें कोई भी लाइनें ना हो, और कोई भी ऐसा पेपर जो कि सफ़ेद रंग का हो और उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी लिखावट ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी जो कॉपीज़ होती हैं उन पर भी लोग बना देते हैं, फिर वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो आपको कोरा पन्ना लेना है या फिर भोजपत्र लीजिए, ताड़पत्र लीजिए, उन पर आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद जो है जब इसका निर्माण पूरा हो जाए तो यंत्रराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जो भी आपकी कामना है वो यथासंभव बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाए। और फिर जहाँ पर आप बैठे थे उसी घेरे के भीतर इसको गाड़ दीजिएगा। गाड़ कर अपनी प्रार्थना जो है इनसे कहिएगा, यंत्रराज से, और कहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र जितना हो सके मेरी सहायता करें और जो भी मेरे शत्रु हैं उनको मेरे वश में करें। तो आप पाएंगे कि ये जो प्रकृति है ये नाटकीय रूप से आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर देगी जो कि दूसरों को आपसे आकर्षित करेगी। चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे वो कोई रूठ कर गया हो, और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो देखते ही देखते पूरी होने लग जाएंगी। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी कोई आपको ना बताए, लेकिन एक बार जिसने ये कर दिया उसकी रातों की नींदें जो हैं वो सवर गई। देखते ही देखते आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं देखते देखते रंग से राजा बन जाते हैं, वो इसी विधि से होता है। ये गुप्त विधियां हैं जो कि समय के साथ जो है लुप्त हो गई थी, लेकिन अथक प्रयास से हमने इन चीज़ों को फिर से उजागर कर दिया है। आप इसका प्रयोग कीजिए और देखिए कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान था वो कितना विस्तृत था। इसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो वो आप तंत्र से सॉल्व कर सकते हैं, उसका आप उपाय पा सकते हैं। तंत्र में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कि आप उपाय ना कर सकें। तो इस प्रयोग को कीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, और यदि आपको बना बनाए यंत्र चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। कालीविद्या.com पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र मिल जाएंगे। और कोई त्रुटि हो गई हो, कहीं पर कुछ पूछना हो, यंत्र समझ में ना आ रहा हो कि यंत्र कहाँ है, तो आप कॉल कर सकते हैं 999-484-1625 पर। धन्यवाद।